नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस की फेजेस। ग्लाइकोलिसिस में मेजर हमारे पास टू फेजेस होती हैं, एक है प्रिपरेटरी फेज, सेकंड है पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज में फर्दर टू स्टेजेस है हमारे पास, एक है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज एंड सेकंड है स्प्लिटिंग फेज। और जो पे ऑफ फेज है उसे हम एनर्जी जनरेशन फेज भी कह सकते हैं। प्रिपरेटरी फेज को एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज किस लिए कहते हैं, क्योंकि फेज वन में हमारे पास टू मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं एटीपी के। और इसको एनर्जी जनरेशन फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास फोर मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी के। अगर हम ओवरऑल देखें ग्लाइकोलाइसिस में फोर एटीपी बन रहे हैं, टू कंज्यूम हो रहे हैं, फोर माइनस टू, नेट हमारे पास जो प्रोडक्शन आ जाएगी एटीपी की वो होगी टू एटीपी मॉलिक्यूल। अब ग्लाइकोलाइसिस में जितने भी रिएक्शंस हैं उनको हम फाइव कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मतलब उनमें फाइव डिफरेंट टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज रिडक्शन, सेकंड इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का तो आपको पहले भी पता है। रिडक्शन हमारे पास क्या है, रिडक्शन है हमारे पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है, ये इसका रिवर्स है रिडक्शन का, इसमें है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम एक और नाम भी देते हैं इस रिएक्शन को, उसे हम कहते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसे हम कहते हैं डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। थर्ड जो कैटेगरी है हमारे पास वो है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन इसके नाम से पता चल रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है। फोर्थ हमारे पास कैटेगरी है डीकार्बोक्सीलेशन। डीकार्बोक्सीलेशन में हम क्या कह सकते हैं कि इसमें रिमूवल ऑफ कार्बन एटम है। कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें रिमूव हो रहा है। फिफ्थ है हमारे पास आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन या आइसोमर्स आपने पढ़ा हुआ है, उसी से ये वर्ड है आइसोमराइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें आइसोमर्स बन रहे हो, जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र हो रहा हो, लेकिन उनके जो एटम हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। और इसमें एक और प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं एल्डोल क्लीविज। ये हम जब नेक्स्ट इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एल्डोल क्लीविज कहाँ हो रही है।